दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ओप्पो A12 CPH2083। इस मॉडल को अनलॉक करना है और मैं अभी ऑनलाइन अनलॉक कर रहा हूँ किसी दूसरे कंप्यूटर पर। ये मेरे सब्सक्राइबर का कंप्यूटर है और ये अनलॉक टूल जो है इन्होंने हमसे ही खरीदा था और ये ओप्पो A12 CPH2083 इस मॉडल को ये अनलॉक नहीं कर पा रहा क्योंकि ये मोबाइल जो है अनलॉक होता है मेटा मोड में और मेटा मोड में कैसे ले जाना है मोबाइल को इनको ये पता नहीं है। तो मैं इस मोबाइल को यहाँ से इनके कंप्यूटर को कनेक्ट करके टाइम वीवर के जरिए से अनलॉक करूँगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं अभी सब्सक्राइबर के कंप्यूटर पे हूँ और उनका लॉगिन आईडी पासवर्ड मैंने डाल दिया है इसमें अनलॉक टूल में और इसे हम लॉगिन कर रहे हैं। लॉगिन करने के बाद जब ये खुलेगा ये टूल ओपन हो जाएगा उसके बाद हम आपको दिखाएंगे ओप्पो A12 CPH2083 को किस तरह से हम अनलॉक कर रहे हैं मेटा मोड में और मेटा मोड में मोबाइल को कैसे ले जाना है वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें और जरा सा भी वीडियो को छोड़ें ना और वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा किस तरह से आपको अनलॉक करना है। क्योंकि अगर आप मेडिकल यूज करते हैं या कोई अदर बॉक्स यूज करते हैं उसमें भी आपको मेटा मोड में अनलॉक करना पड़ता है। ठीक है, तो मेटा मोड में कैसे ले जाते हैं अनलॉक टूल में तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। आप यहाँ पर देखें और ध्यान से देखें वीडियो को तभी आपको समझ में आएगा। आप देख सकते हैं कि मैं अभी इस वक्त जो है ऑनलाइन हूँ दूसरे कंप्यूटर पर अपने सब्सक्राइबर कंप्यूटर पर और ये अनलॉक टूल इन्होंने जो है हमसे ही खरीदा था और ये ओप्पो A12 CPH2083 को अनलॉक नहीं कर पा रहा है। तो आपको अनलॉक कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं आप ओप्पो है वीवो है, ठीक है, इन पर आपको क्लिक नहीं करना है। अनलॉक टूल में आपको मीडिया टेक पर क्लिक करना है। जैसे आप मीडिया टेक पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्वर पर चेक लगाना होगा क्योंकि ये जो मोबाइल जो है सर्वर से अटैच होगा तभी अनलॉक होगा। ठीक है, ऑफलाइन में ये सपोर्ट नहीं था, ऑनलाइन में सपोर्ट था इसलिए सर्वर पे हमें चेक लगाना जरूरी होगा। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रांड पे क्लिक करेंगे, ओप्पो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए पहले हम यहाँ पे मॉडल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। मॉडल नंबर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें करना क्या, यहाँ पे बूट मेटा पे क्लिक करना है। तो बूट मेटा पे क्लिक हम इसलिए करेंगे ताकि हमारा मोबाइल जो है मेटा मोड में चला जाए। तो मेटा मोड में ले जाने के लिए आपको बूट मेटा पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद मोबाइल को ऑफ करना है, वॉल्यूम माइनस प्लस दोनों सेम कंटिन्यू दबाना है आपको, प्रेस करना है सेम टाइम वॉल्यूम प्लस माइनस, आपका मोबाइल मेटा मोड में जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने मेटा मोड का जो है बटन को जो है क्लिक कर दिया है, ये मोबाइल मेटा मोड में गया। और जैसे यहाँ पे इंस्टॉलिंग मेटा मोड लिखेगा उसके बाद हमें यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट पे क्लिक करना होगा। तो जब हमारे टूल में इंस्टॉलिंग मेटा मोड लिखेगा तभी जाकर के हमें यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट पे क्लिक करना है। और जैसे फैक्ट्री रिसेट पे हम क्लिक करेंगे कुछ ही सेकंड में मोबाइल जो है अनलॉक हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि मोबाइल अनलॉक हो चुका है, फॉर्मेट हो चुका है ओप्पो A12 CPH2083। तो ये मोबाइल सक्सेसफुली जो है फैक्ट्री रिसेट इसका हो चुका है। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं हमारे चैनल को तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके जो लोग इनके बारे में नहीं जानता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।